राज्य में 60 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई गौट वैली राष्ट्रीय गोकुल मिशन और एनडीसी के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोकार्पण किया। इस दौरान 60 मोबाइल पशु चिकित्सा एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जिस भी योजना का शिलान्यास करेंगे उसका लोकार्पण भी करेंगे, यानी काम को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। पशु चिकित्सा के लिए मोबाइल एम्बुलेंस सेवा शुरू होने से दूरस्थ क्षेत्रों के पशुपालकों को काफी मदद मिलेगी। बता दें कि कर्नाटक मेघालय के बाद इस योजना को शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का तीसरा राज्य है। टोल फ्री नंबर 1962 पशुपालक एम्बुलेंस सेवा का लाभ ले सकेंगे। वहीं गोट वैली योजना में चयनित गांव में बकरी पालन को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत देहरादून के श्यामपुर में सीमन लैब का निर्माण किया जा रहा है। एमके न्यूज की डेस्क रिपोर्ट। सेक्टर नहीं है जहां पर केंद्र की सरकार का हमको सहयोग प्राप्त न हो रहा हो। भाइयों बहनों, हम जानते हैं पशुपालन कृषि के साथ उत्तराखंड के लाखों परिवारों की ये रीढ़ है। उनके परिवारों को चलाने का काम हमारा ये पशुपालन के माध्यम से होता है। हमारे प्रदेश में 80% से भी अधिक ग्रामीण परिवारों को रोजगार प्रदान करने वाला पशुपालन व्यवसाय न केवल उनकी आजीविका का मुख्य साधन है बल्कि हमारे प्रदेश के संतुलित पोषण का भी एक आधार है। देखिए, सामान्य से सामान्य परिवारों में भी एक गाय होती है, एक भैंस होता है, उसी से वो जहां अपने घर का ठीक प्रकार से पोषण कर पाते हैं, ठीक प्रकार से अपने परिवार को आगे बढ़ाने का भी काम करते हैं। मैंने बहुत नजदीक से इन सबको देखा है और पूरे पशुपालन व्यवसाय का राज्य के सकल घरेलू उत्पादन में 3% का योगदान है। सभी छोटे पशुपालकों व दुग्ध व्यवसायों के सम्मिलित प्रयासों के फलस्वरूप आज हमारा प्रदेश, हमारा देश डेयरी के उत्पादन में भी शीर्ष देशों में शीर्ष स्थान पर है। मेरा मानना है कि पशुपालन व्यवसाय में निवेश ग्रामीण क्षेत्रों के विकास का मुख्य साधन हो सकता है और उसके लिए जो योजनाएं